अपनी क्लासेस 30। मैं श्वेता मैम आपके सामने एक नए सब्जेक्ट और एक नए लेसन के साथ आई हूँ। हमारा आज का लेसन का नाम है प्रारंभिक नगर। यह NCERT बुक हमारे अतीत भाग एक से लिया गया है। इस चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। हम ये जानेंगे कि ये भारत की प्राचीनतम नगरों में से कैसे सभ्यता को प्रथम स्थान मिला, कैसे इस सभ्यता को सबसे महान सभ्यता कहा जाता है, विश्व की सभी सभ्यताओं में से इसका नाम अद्वितीय क्यों है। खासकर ये वीडियो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम चलते हैं हमारे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर बोलते ही क्या हमारे मन में छवि बनती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की, यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता की। आखिर इसको विभिन्न नामों से क्यों जाना जाता है, क्यों इसे हम लोग इतने सारे सभ्यताओं के नाम से जानते हैं? इसका प्रमुख रीजन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, यानी कि इंडस नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हड़प्पा बोलने की इसके पीछे का कारण यह है कि जब यह सभ्यता नजर में आई तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कही जाती है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो एक विशाल नगर के तौर पर सामने आया था, उसकी अद्भुत कलाकृतियों को देखकर इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कही जाती है। विश्व में सबसे अच्छा स्थान और सबसे अद्वितीय स्थान रखने की सभ्यता का यह कारण है क्योंकि जिस समय विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं पनप रही थी, यानी कि दज़ा फरात की सभ्यताएं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जब अपने बाल्यावस्था में थी, तब ये अपने चरम उत्कर्ष पे था। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय व्यवस्था के लिए काफी जानी जाती है, लेकिन सबसे पहले ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये नजर में कैसे आई, आखिर कैसे इसके बारे में पता चला। तो ये एक रोचक कहानी है दोस्तों। 150 वर्ष पूर्व की बात है, जब पंजाब में रेल लाइन की स्थापना हो रही थी, यह पंजाब अब आधुनिक पाकिस्तान का भाग हो चुका है। रेल लाइनों की व्यवस्था के लिए काफी ईंटों की जरूरत थी, तो उस समय इंजीनियरों लोग सोचे कि अब ये ईंटें कहाँ से आएंगी। तो अचानक से उन्हें कुछ स्मारक नजर आया और यह स्मारक हड़प्पा सभ्यता की स्मारक थी। इसमें से उन लोगों ने ईंटों को निकालकर रेल लाइन की व्यवस्था कर ली। अब उसके बाद 80 वर्ष के पश्चात जब दयाराम सहानी जैसे पुरातत्वविद उस जगह से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक सभ्यता को बताता है। फिर उसका उत्खनन हुआ और इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता समस्त विश्व के समक्ष उपस्थित हुई। जब ये विश्व के समक्ष उपस्थित हुई, तब सब लोगों को लगा कि जब सारी विश्व की सभ्यता जन्म ले रही थी, गांव की सभ्यता थी, या एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय व्यवस्था में परिणित हो चुकी थी। आज जो जीवन हम लोग जीते हैं गाइस, आज जिस घरों में हम लोग रहते हैं, उस घरों की नींव आज से 8000 वर्ष पूर्व डाली गई थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर आज की आधुनिक नगर के समान की थी। अब इसकी नगरों की विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास में, आज इस सब्जेक्ट में और इस चैप्टर में हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले नगरों की विशेषताएं, नगरीय जीवन, नगर और नए शिल्प, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, और लास्ट में सभ्यता का अंत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नगरीय व्यवस्था के बारे में, नगरीय जीवन के बारे में। आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीय व्यवस्था क्यों कहा जाता था, नगरीय जीवन क्यों कहा जाता था? इसका प्रमुख कारण यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जिस घरों में रहते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। उनके घरों के ऊपर सीमेंट लगे होते थे, उनका प्लास्टर लगा होता था, हर एक कक्षा अलग अलग होती थी, यानी कि हर एक रूम अलग अलग होते थे। आज हम लोग का ड्राइंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, किचन रूम अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, जस्ट वैसा ही सिंधु घाटी के सभ्यता में भी लोगों का हर एक रूम अलग अलग था। जो वहाँ की रोड थी, जो सड़कें थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि सम कोण पर काटा करती थी। इसके अलावा नगरों के किनारे नालों का व्यवस्था था, नाले काफी चौड़ी होती थी और उन्हें ढक के रखा जाता था, काफी साफ सुथरी।
और एक गाइस आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि सड़कों के किनारे दरवाजे मेन जो डोर होता है हम लोगों का, जिससे लोग आते जाते वो नहीं रहते थे, वो सड़कों के पीछे रहते थे। यानी कि जब घर का जो मेन डोर होता था वो पीछे की सड़क के पीछे खुलता था। इसके अलावा घर 2 तल्लों के हुआ करते थे, तल्लों पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी, हर घर में कुएं की व्यवस्था थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज जो हम लोग स्ट्रीट लाइट का यूज करते हैं, उस समय 8,000 वर्ष पूर्व वो लोग भी करते थे, लेकिन रोशनदान का यूज करते थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गाइस। बस यही एक चीज था जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी सभ्यता से थोड़ी पीछे रह गई। अगर उस समय इलेक्ट्रिसिटी होती तो हम लोग कह सकते थे कि हम लोग जो मॉडर्न एज के लाइफ जी रहे हैं, सिंधु घाटी के लोग बिल्कुल वैसा ही जीते थे। इसके अलावा स्वच्छता के मामले में वो लोग बहुत ही हमारे से भी बहुत आगे हैं। आज तो सरकार को स्वच्छता अभियान लगाना पड़ता है, चलाना पड़ता है हमें सफाई की जानकारी देने के लिए। उस समय लोग बिल्कुल इतने अच्छे से साफ सुथरे ढंग से रहते थे, कूड़े करकट को घर से बाहर नहीं फेंका जाता था, उसे नगरों से बाहर दूर में गड्ढों में डालकर उसे ऊपर से मिट्टियां डाल दी जाती थी, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक तो वो सॉइल बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए, उपजाऊ हो जाए, और दूसरा हमें बीमारियों से दूर रखे। इसके अलावा नालों की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। नालों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक गंदगी के नाले को अलग से, और एक पानी जिससे निकलता था वो दूर जाकर नदियों में गिर जाता था। इस तरह की व्यवस्थाएं उस समय की गई थी। वहां का जीवन बहुत ही सादगी में भरा था। आजकल जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है गाइस, उसको वो लोग दीवारों पर और खिड़कियों पे सजाया करते थे। लोग बहुत ही ज्यादा फैशनेबल होते थे, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों को श्रृंगार का, फैशन का बहुत शौक था। लड़के भी बालियां पहनती थी, लड़कियां भी बालियां पहनती थी। लड़के को भी गहने का शौक था, लड़कियों को भी गहने के शौक था। वो लोग भी आंखों में काजल लगाते थे, लड़के भी आंखों में काजल लगाते थे। लंबे लंबे बाल छोटियों की तरह बनाकर रखा करते थे वो लोग, इतने फैशनेबल थे। इसके अलावा अगर उनकी जीवन को देखते हैं, उनके खेल सपाटों को देखते हैं, तो वो लोग रथ दौड़ करवाते थे, वो लोग पशुओं की लड़ाई करवाते थे। इसके अलावा वो लोग पासों का भी खेल खेलते थे। इसके अलावा उनके मनोरंजन का साधन चित्रकारी भी था। कहीं कहीं हम लोगों को उत्खनन के आधार पर उस समय के चित्रकारी भी नजर आई है, भले ही हमें समझ नहीं पाए आज तक उस चित्रकारियों का मतलब, लेकिन उनका साक्ष्य जो है अभी हम लोगों को मिला है। इसके अलावा उत्खनन के आधार पर जब हमारे पुरातत्वविद गए वहां पर, उन लोगों ने डिगिंग किया, उत्खनन किया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे अनाज, बर्तन, कपड़े आदि मिले। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग चावल, जौ, गेहूं, मटर, दालें उगाना बहुत अच्छे तरह से जानते थे। वो मवेशियों को पालते थे। वो वहां पर पशुपालन और कृषि जो था बहुत ही उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा शिल्पकारी की व्यवस्था बात करें तो वहां पर उद्योग धंधे भी थे। उद्योगों का नाम लिया गया है तो मैं गुजरात के वो 2 नगरों का नाम बताती हूँ जहां पर व्यापार और वाणिज्य फैला, लोथल और धौलवीला। 2 ऐसे नगर हैं। धौलवीला को इसलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि वहां स्टेट व्यापार होता था, मतलब कि राज्य के जितने लोग आते थे वो व्यापार करते थे, और लोथल से विदेशी व्यापारियों का आना जाना होता था। विदेशी, विदेश से सोचिए, उस समय विदेश से भी हमारे ताल्लुकात थे। ये उत्खनन से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ कि लोथल को सिंधु घाटी का बंदरगाह कहा जाता था, और धौलवीरा स्टेट कैपिटल के नाम से, स्टेट बाजार मार्केट के नाम से फेमस था। अब हम धौलवीरा के बारे में देखते हैं। जहां हम हड़प्पा के, अगर आप नगरों की व्यवस्था के बारे में सुनेंगे तो हर जगह 2 द्वार मिलेंगे आपको, लेकिन केवल धौलवीरा ऐसा एकमात्र शहर है जिसमें आपको 3 तरह से द्वार मिलेंगे। बड़े बड़े 3 द्वार हुआ करते थे जिसके अंदर से लोग जाते थे। एक बड़े से मैदान के अंदर में बड़ा सा चबूतरा होता था, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया गया है कि लोग जो थे स्टेट लेवल पे, मतलब अपने जो लोकल लेवल पे, वहीं पर आयात निर्यात किया करते थे। बड़े बड़े अनाज भंडार मिले हैं। जो अनाज भंडार, आप लोग कभी गांव गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, आपके आंगन में मिट्टी का बना रहता है बहुत बड़ा सा, और ऊपर से उसको भूसा से तो ढका जाता है, उसे अनाज भंडार कहा जाता है। उसमें अनाज रखा जाता है,
उसी तरह के अनाज भंडार डॉलवीरा के भी क्षेत्र में पाए गए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि यहाँ पर अनाज का बहुत बड़ा भंडारण होता था। भंडारण कहें तो आयात निर्यात, जहाँ पर अनाज लेकर आते थे। केवल अनाज ही नहीं गाइस, शिल्पकारी, आपका मोहरों का, सिक्कों का निर्माण निर्यात, वस्त्रों का निर्माण निर्यात, आयात, सब कुछ वहाँ होता था। कच्चे धातुओं की बात करें तो लोथल बंदरगाह पे कच्चे धातुओं से बने हुए बहुत सारे पदार्थ को बेचा जाता था। वहाँ के जो पदार्थ हमारे पास नहीं थे वो विदेशों से, अफगानिस्तान से आता था, जिससे वो लोग आयात निर्यात करते थे। अफगानिस्तान में इंडिया से कारीगरी किए हुए संघ का पता चला है, वहाँ के मोतियों का पता चला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय हड़प्पा के लोग अफगानिस्तान से व्यापार वाणिज्य करते थे। अब गाइस हम आपको एक और नगर की बात बताते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अपने आप में एक बेमिसाल अनूठा नगर था। क्यों क्यों अनूठा नगर था? उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि वहां पर एक बहुत विशाल का स्नानागार का पता चला है। जैसे आज हम लोग कुंभ में जाते हैं कुंभ नहाने, गंगा स्नान करने, वैसे ही वहां पर भी ये सारी रीति रिवाजें होती थी। लेकिन गाइस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इतना सफाई सफाई के साथ और स्वच्छता के साथ होता था कि जिसका कोई नामो निशान नहीं है। हम लोग आज जाते हैं गंगा के किनारे स्नान करने, वहीं पर गंदगी फैलाकर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कूड़ेदान की व्यवस्था, इवन आप नहाकर बाहर आ रहे हो तो आपको वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, और जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग हुआ करता था। लोगों को भीड़ भाड़ से कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, धक्का नहीं होता था, धक्का मुक्की नहीं होता था। इनफैक्ट कि वो लोग पूरी तरह से स्वच्छता का पालन करते थे। कोई भी चीज, कोई भी महान पर्व के लिए, कोई भी उत्सव के लिए अगर वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई तो वो लोग बेहद सादगी के साथ, बेहद स्वच्छता के साथ सारा रीति रिवाज को फॉलो करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा मोहनजोदड़ो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि वहां पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो टेराकोटा की बनी हुई है। टेराकोटा की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपतियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, बहुत तरह के मृत भांड प्राप्त हुए हैं, कारीगरी उस मृत भांडों में बेहतरीन कारीगरी की गई है। इसके आधार पर ये हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था बहुत ही विकसित देश था, बहुत ही विकसित राज्य था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता की अनेकों विशेषताएं रही हैं। इतनी विशेषताएं रही हैं कि जिनका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगरीय जीवन थी। नगरीय जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम लोग को प्रश्न भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस विशेषता के कारण जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा नगरीय विशेषताएं। वो हमेशा अपनी नगरीय विशेषताओं के कारण जाना गया है। अब गाइस हमारा लास्ट टॉपिक आता है सभ्यता का अंत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक पुरातत्वविदों ने ये सटीक अनुमान नहीं लगाया है कि आखिर इसका अंत किस तरह से हुआ। किन्हीं ने बोला कि आग लगने के कारण सभ्यता का अंत हो गया, किसी ने बोला सुखाड़ आ गया तो सभ्यता का अंत हो गया, किसी ने बोला बाढ़ आने के कारण सभ्यता का अंत हो गया, या तो किसी ने बोला कि आर्यों के द्वारा सभ्यता का अंत किया गया था। लेकिन सभ्यता का अंत किस तरह से हुआ ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। अगर हम इसके मूल कारणों की समीक्षा करते हैं या हम इसके मूल कारणों के रहस्य को सुलझाएं तो ऐसा अंदाजा लिया जाता है कि सारी सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे बसी पड़ी थी। क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि कोई भी बस्तियां, कोई भी नगरों का विकास हुआ तो नदियों के किनारे हुआ, तालाबों के किनारे हुआ, झीलों के किनारे हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनको सारी सुविधाएं मिल जाती थी वहां पर। और इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी ये सारी जानकारी को जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो नदियों के किनारे होने के कारण हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, किसी समय किसी मौसम में बहुत ज्यादा बारिश हुई हो। बाढ़ आने की समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पर वारदात होते रहती हैं, तो हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो।
जिसके कारण नदी तालाब झील अपने जो लेवल पे रहते हैं उस लेवल से ज्यादा चले गए हों, या फिर बाढ़ ऐसा प्रचंड रूप ले लिया हो कि सब कुछ तोड़ता फोड़ता अपने साथ बहा कर ले गया हो। ये रीजन मुझे सटीक लगता है। जहां तक बात आती है सुखाड़ की, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि कभी पानी बारिश नहीं हुई हो, सुखाड़ आ जाता है। हमारे आजकल भी ऐसा हो चुका है कि कभी कभी बारिश सफिशियंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सुखाड़ आ गया हो, बारिश के पानी जो पानी थी तो तालाब की पानी थी, झीलों की पानी थी, वो सूख गई हो। हड़प्पाई लोगों को उनके लिए सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा हो, उनके पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा हो, फसलें खराब हो गई होंगी। ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया हो। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब इन लोगों का दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा था, तो हो सकता है व्यापार आयात निर्यात करने के उपलक्ष्य में बहुत सारे देशों को इनके बारे में पता चला हो, बहुत सारे राज्यों को इनके बारे में पता चला हो। और वैसे भी प्राचीन काल से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो हो सकता है इस लालसा में दूसरे लोगों ने यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया हो, जिसकी वजह से भी हड़प्पाई लोगों को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ी, या फिर वहां पर लोगों का रहना बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन प्रॉपर तौर पर, सटीक तौर पर ये कह पाना बहुत ही नामुमकिन है कि किस तरह से उनकी सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन जो भी हो, हमारी भारतीय सभ्यता, ये जो हमारी सबसे प्राचीनतम हड़प्पाई सभ्यता थी, वो विश्व प्रसिद्ध है। वो अपने जगह पर एक उत्तीर्ण स्थान रखता है, शिल्पकारी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, अपने नगरीय व्यवस्था में हो, नगरीय स्वच्छता में हो, नगरीय जीवन में हो, इन सभी चीजों में वो एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। इवन आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि हड़प्पाई लोग जो फसल उपजाते थे, खेती करते थे, वो हलों से खेती करते थे, बैलों का यूज करते थे खेती करने के लिए। आज जिस टर्मिनल का हम लोग यूज करते हैं, आज बहुत सारे, अभी भी आप जाओगे खेतों में तो आप देखोगे कि बैलगाड़ी से खेती का यूज किया जा रहा है, या फिर लोग हल से खेती का यूज करते हैं। हल के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी लकड़ियां मिली हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग हल से खेती किया करते थे, बैलों से खेती किया करते थे। ये एक आश्चर्यजनक बात है। सोचिएगा इस, थोड़ा सा सोचिए कि 8000 वर्ष पूर्व ये लोग ये सारी चीजें, ये सारी पद्धति जानते थे जो आज के जमाने में हम लोग जानते हैं। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी आधुनिक जीवन की नींव 8000 वर्ष पूर्व ही रखा गई थी हड़प्पा सभ्यता के रूप में। और एक खास बात इस वीडियो में मैं आप लोग सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो कृपया मास्क वेयर करिए, डबल मास्क वेयर करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि बिहार एक अब कोरोना का हब बनता जा रहा है, हमें इसको मिटाना है और हमें इसे, बिहार को स्वच्छ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। तो प्लीज गाइज आप लोग मास्क वेयर कीजिए और अपने भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। दूसरों से दूरी कुछ दिन बना कर रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, बिहार को सुरक्षित रखेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगली वीडियो में मैं फिर एक कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग सबसे अनुरोध है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बेल जरूर बजा दें, ताकि आप लोग के लाइक, आप लोग के कमेंट ही मुझे बताएंगे, मुझे मोटिव देंगे अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।